भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफचक मोहल्ले में एक ठग के घर पर मोहल्ले के लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इंदिरा आवास लेने के लिए मोहल्ले के 40 लोगों ने आवेदन दिया था। वहीं ठग विनोद रजक के द्वारा इंदिरा आवास के नाम पर आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के घर जाकर इंदिरा आवास दिलाने और कागजात बनाने के नाम पर किसी से 4,000 तो किसी से 9,000 रुपये इंदिरा आवास दिलाने और कागजात बनाने के लिए 2 साल पहले ही लिए गए थे, लेकिन आज तक लोगों को न तो इंदिरा आवास मिला और न ही कोई कागजात ठग के द्वारा दिया गया। ठगी का शिकार हुए लोग किसी से कर्ज लेकर पैसा इकट्ठा कर ठग को दिए थे। वहीं जब ये लोग पैसा मांगने जाते तो वह घर से फरार हो जाता था। आज मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और ठग के घर सुबह सुबह पहुंच गए और पैसे वापस करने की मांग करने लगे। ठग के द्वारा पैसा लौटाने के लिए एक बार फिर से समय लिया गया। वहीं ठगी का शिकार हुए लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब इंदिरा आवास में ठगों के द्वारा शहरी इलाके के गरीबों से भी ठगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। इंदिरा आवास रो हाँ की पास हो गए 4,000 पैसा द पास में सब करवा दे हाँ कागज पत्र सब ओके करवा दे अभी कुछ हो लोन चार चार दो फोटो ले लें खाऊ हाँ और हो पैसा 4,000 ले चालीस आदमी रहो 4 बस्ती रहो 40 आदमी रहो दैठो हिनक रो मारूच करो दैठो राजीव बाबू गली रो दैठो सालेपुर रो और दैठो यंकर की कहे है गोड़ी टोला रो तब कि सब रो पैसा यहाँ खेल छे लॉकडाउन रो पहले है पहले लॉकडाउन जे लागल रहो पैसा मांग कर क्या करता है पैसा मांग रहे हैं पैसा तो घर बना लो पैसा मांग रहे हैं इसलिए तो क्या बोल रहा है तो कहे कि 10 दिनों में देव हाँ 2 तारीख तक हाँ कि लौटा देव हम आ जब नहीं लौटेते तो हम की करबे अखनी हमरा सनी बेटा सनी नहीं रहते कोई कोई नहीं हमरा घरों में कोई गार्जियने नहीं रहते चलो ऐसे तो हाँ हाँ शादी भी अथी हमरा बहन बेटी रहो वो खरीस टका ले लच्छी कर्जा लिए हाँ हम कर्जा लेके एकरा दे लच्छी पैसा ये हम कागज बनाने का पैसा लिया क्या चीज का कागज कागज सब इंदिरा आवास में सब जो जो कागज लगेगा उसका कागज कितना पैसा लिए थे सब दिया है कोई 3,000 दिया है कोई 4,000 दिया कोई 9,000 भी दिया है 9,000 जिसका 4 पास हुआ वो दिया है क्या हुआ पैसा सब पैसा सब सब हम कागज बनाने में लगाए हैं सर अभी लोग मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं 2 तारीख को देंगे हम 2 तारीख को सबको दे देंगे पैसा तो कागज नहीं बना पास नहीं हुआ लोग का नहीं सबका पास हो गया सर 3 आदमी का पास नहीं हुआ है तो पैसा आप कहे लिए थे पैसा तो हम कागज बनाने के लिए हाँ कौन कागज बनाने का कागज बनाने के लिए थे आपका हैप्पी डिपिट हम तो वकील हैं सर हैप्पी डिपिट 1 बंसावली 2 एलपीसी 3 तो एलपीसी तो ब्लॉक में बनता है बंसावली ब्लॉक में हाँ सब तो सब पैसा आप क्यों लिया वो हम लोग बनवाते हैं किसी से कितने बनवाते हैं वो ब्लॉक का एजेंट सब है उसी से बनवाते हैं सर दलाल के थ्रू क्या जी सर ऑफिस में दलाली होता है अब किसका क्या होता है तो हम नहीं जानते उस कड़ी में आप भी जुड़े हुए हैं जी नहीं हम लोग तो वकील हैं सर पैसा कैसे लिए सर पैसा सब ये लोग से मांग करके लिए है दिया ये लोग आकर के ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभालते देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत स्थित उत्तर टोला ऊंचा गांव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर निकलती है और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती है। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। पिंकी ने बातचीत के क्रम में अपनी स्थिति साझा करते हुए बताया कि वो मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर कुछ बढ़ना चाहती थी लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 8वीं तक की पढ़ाई कर सकी। वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव के सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। उसके पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है।
उनके गोतिया ने रहने के लिए मौखिक रूप से कुछ जमीन दी है, जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती है। पिंकी के 4 बच्चे हैं, इनमें 2 पुत्री 10 वर्ष की वर्षा और 7 वर्ष की रिया व 2 पुत्र 5 वर्ष का शिवम और 3 वर्ष का सत्यम है। 4 बच्चों की माँ पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का संकल्प लिया है। पिंकी ने सब्जी बेचकर ई रिक्शा खरीदा है, अब सवारी बिठाकर प्रतिदिन 500 से 800 रुपये कमाती है। क्या हाँ पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ इतना हो रहा है, उसीलिए गया। उसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना? 200, 300, 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? काम हो रहा है, हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो को बच्चा को लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे। जी जी। तो आप महिला हैं, सुनसान रास्ते पे चलते हैं आप, तो क्या लगता है? हमको डर नहीं लगता है, हम किसी से बोल रहे हैं कि काम नहीं है, हम किसी अपना हिम्मत लगा के काम करेंगे। मान लिया जो कोई शराबी भी मिलते होंगे आपको? हाँ मिलता है। तो उसको किस तरह आप लोग पहुँचाते हैं? हम उस नज़र में देखते हैं, उठा के देखते हैं तो गाड़ी हाँक लेते हैं, चल लेते हैं। माँ की तरह उसे पहुँचाते हैं? हिफाजत से पहुँचाते हैं? हिफाजत से पहुँचाना, जैसा देखते हैं उस तरह करते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो रास्ते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा मिल पाती है आपको? नहीं, जैसे चलता है देखते हैं आदमी को नहीं अच्छा तो उसको नहीं बैठाना के लिए चाहते। 8वीं पास पिंकी बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती है। पिंकी कहती है, मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या बच्चों को पढ़ाऊंगी, आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करने पर मेरा सपना अधूरा रह गया था, लेकिन जब मुझे पहली पुत्री हुई तो मेरा सपना फिर जागृत हो उठा। तब सोचने लगी कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकी लेकिन अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाकर काबिल बनाऊंगी। मेरे पति की मजदूरी राशि घर और बच्चों की भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाती थी, तब मैंने संकल्प लिया कि मैं भी मेहनत करूंगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर इंजीनियर और ऑफिसर बनाऊंगी। तब 7 वर्ष से करहरिया असरगंज और लखनपुर हाट में सब्जी बेचने लगी और थोड़ी थोड़ी राशि जमा करी। पति भी दिल्ली में फर्नीचर का काम करते हैं। बीते वर्ष लॉकडाउन में हम दोनों ने जमा पूंजी से एक रिक्शा निकलवाया जिसे मैं प्रतिदिन चलाकर कभी सवारी बिठाकर तो कभी सब्जी ढोकर हर दिन 500 से 800 रुपये तक कमा लेती हूँ। फिलहाल तो अपने 3 बच्चों को सरकारी स्कूल भेजती हूँ लेकिन प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ने भेज रही हूँ। क्यों चला रहा है? 2-3 साल से रिक्शा चला रहा है। इसके पास 4 गो बच्चा है, इसका ससुर को इसको हेल्प नहीं किया, अपने बल पे ही जो है ना कमाना खाना चाहती है, सब्जी बेचती है और वो हटिया पीछे सब्जी जो नहीं बिकता है गांव गांव घूर करके सब्जी बेचते आई, सवारी भी ढोती है और बहुत महिला जो है ना शांत स्वभाव का है, किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है कि बच्चा बुजुर्ग को हम पढ़ावे लिखावे कुछ कर पाए। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? समाज में यही सोच रहे हैं हम लोग कि गरीब है इसलिए से कि गाड़ी चलाएगा तो बच्चा बुतरू को पेड़ पालन करेगा, इसी बात। तो सरकार के पास सहायता मिलनी चाहिए? हाँ मिलना चाहिए गरीब परिवार को। हाँ गरीब। साथ ही बोली कि अगर सरकार भी कुछ मुझे आर्थिक सहयोग करे तो बच्चों के पठन पाठन में और बेहतर सुविधा मुहैया कराने में सफल हो पाऊंगी। भागलपुर में गंगा किनारे सफेद बालू के खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। तिनटंगा में दियारा में जहाज घाट के समीप माफिया धड़ल्ले से अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं। इससे घाट किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इससे कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। आश्चर्य यह है कि हर दिन गोपालपुर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध बालू लदे करीब 100 से अधिक ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन पुलिस माफियाओं पर कार्रवाई की बात तो दूर, ट्रैक्टर चालकों से यह भी नहीं पूछती कि किसके आदेश पर कहां से बालू ले जाया जा रहा है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं अवैध खनन से इलाके में ग्रामीणों में रोष है। लोगों का आरोप है कि बिना पुलिस या प्रशासन की मिलीभगत से यह कार्य संभव नहीं है। ईंट भट्टा में माफिया सफेद बालू बेचकर काला धन जमा करने में लगे हुए हैं। गंगा घाट से हर माह लाखों रुपए की अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। इसमें किसान से लेकर भू माफिया का कमीशन सेठ है। गंगा से महज कुछ दूरी पर बालू माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। इस्माइलपुर से तीनटंगा तक हर साल गंगा के कटाव से बचाव के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर माफिया लगातार बालू का खनन कर गंगा को आने का न्योता दे रहे हैं। जल संसाधन विभाग की माने तो गंगा से करीब 500 मीटर की दूरी पर खनन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए टेंडर निकाला जाता है और संबंधित ठेकेदार को लाइसेंस निर्गत किया जाता है। तीनटंगा और सैदपुर गांव के सड़क से सटे लोगों का कहना है कि खुलेआम ट्रैक्टर पर बालू ढोया जा रहा है। नगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि सफेद बालू के अवैध खनन की जानकारी नहीं है। खनन विभाग और एसडीपीओ को इसकी जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि सफेद बालू का खनन ही नहीं, कई आपराधिक घटनाएं, लूट, हत्या ऐसे थाना क्षेत्र में हो रहा है, जिस थाने के प्रभारी को हाल के कुछ माह पूर्व भी नौगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के द्वारा कार्यकुशलता को लेकर पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। वो जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको देखिए, है ना, उसके पास अधिक कागज है, कोई कागज नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं, तो नहीं करेगा, तो फिर केस की जो जेल भी है। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी शराब माफिया नए नए तरकीब निकालकर शराब की तस्करी करते दिखते हैं और शराब बनाने का कारोबार भी करते हैं। गौरतलब हो कि कोसी नदी बिहार के लिए शोक की नदी के रूप में जानी जाती है, पर शराब माफियाओं के लिए नदी खजाने की पेटी से कम नहीं है। यहाँ शराब माफिया शराब छिपा कर रखने का काम करते हैं। भागलपुर जिले में शराब माफियाओं के द्वारा कोसी नदी किनारे पानी और कछार के बीच भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब छुपा के रखा गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इसका उद्भेदन 19 नवंबर को शाम के समय किया था। ताजा मामला भागलपुर जिला की रंगरा ओपी क्षेत्र स्थित कोसी नदी के किनारे कौशिकीपुर दियारा का है। यहां कोसी नदी के कछार पर शराब माफियाओं के द्वारा देसी शराब बनाने का सामान भारी मात्रा में पकड़ाया है। कोसी नदी के किनारे और कोसी नदी से निकले कछार के बीच भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब और शराब बनाने वाले बर्तन को भी छुपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर इसकी भनक नौगछिया पुलिस को लगी। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम का गठन किया, जिसने चयनित स्थान पर जाकर धावा बोला। हालांकि चिन्हित जगहों पर जाने के क्रम में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि देरा इलाके में कोसी नदी किनारे पानी और पानी से निकलने वाले घास के बीच में छुपाकर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब रखा गया था, जिसे पुलिस ने जब्त किया। जानकारी देते हुए नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि रंगरा थाने के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। बिट्टू कुमार कमल के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में कुश्तीपुर देरा कोसी नदी किनारे से कुल 31 ड्रम अर्धनिर्मित देसी शराब, वहीं 2 एल्युमिनियम का शराब बनाने वाला उपकरण यानी डेक्ची पुलिस को बरामद हुआ है। बरामद 31 ड्रम में लगभग 2000 अर्धनिर्मित देसी शराब था, जिसे वहीं पर निष्क्रियण कर दिया गया। शराब किसकी है इसके लिए पुलिस छानबीन कर रही है। शराब माफियाओं के पास पहुंचने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जबकि शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग ने कई हथकंडे अपनाए हैं। यहां तक कि हवाई सर्वे और ड्रोन की भी सहायता ली जा रही थी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही थी। देसी शराब निर्माण करने वाले तस्करों पर मानव प्रशासन का कोई खौफ नहीं, वो खुलेआम देसी शराब बनाने का कारोबार करते हैं। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोड़ राजेंद्र राजस्थान यात्री शेड के पास 16 नवंबर की रात्रि अपराधियों के द्वारा सड़क पर बांस लगाकर दरियापुर के रहने वाले कृष्ण कुमार की हीरो होंडा मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वहीं लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम बनाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधी दिलखुश कुमार, अंकुश कुमार और प्रीतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूटी गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में 3 अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लूट के 4 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। 17 तारीख को मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत जो टूटा पुल, जो जहाँ पे नाम की जगह है, वहाँ पर 4 अपराध कर्मियों ने
एक मोटरसाइकिल एक आदमी व्यक्ति जो कि उनका नाम है कृष्ण कुमार, दरियापुर के रहने वाले, उनसे छीन ली थी। और उसमें जैसे ही उन्होंने छीनी, उन्होंने तुरंत सूचना दी, जिसमें हम गश्ती दल भी वहाँ पर पहुँचा था। अगले दिन भी हमने छापामारी टीम का गठन किया और कुछ नाम हमारे सामने आए थे, उसमें हम तुरंत छापामारी किए, तो उसमें 3 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 अन्य लोगों का संलिप्तता इसमें सामने आई है, जिन्होंने जिसमें से 2 लोगों ने लाइनर का काम किया था और 4 लोग कुल जो थे वो मुख्य जिनकी भूमिका रही थी। इसके अलावा 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा बाइक बरामद कर ली गई और जो बचे हुए 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि भी है? आपराधिक की पृष्ठभूमि इनकी सबकी निकाली जा रही है, खंगाली जा रही है और जैसे ही हो जाएगा तो हम सूचना दे दीजिएगा। गिरफ्तार लोगों में लाइनर कौन है? गिरफ्तार लोगों में लाइनर का जो काम किया है उनका उनका नाम है शिशु कुमार और गंगवा यादव, दोनों ही भथौड़िया के रहने वाले। तीसरा जो गिरफ्तार हुआ, तीनों 2 लोगों ने लाइनर काम किया था। तीनों गिरफ्तार कहाँ का रहने वाला था? जो गिरफ्तार हैं उनमें रहने वाले 1 भतोड़िया के रहने वाले हैं और 2 लोग कंजिया के रहने वाले हैं, यानी एक ही थाना के। हाँ। भागलपुर के गौरा चक्के स्थित नीमा गांव में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, महिलाओं को कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी में होने वाली कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। महिलाओं को बीमारी होने पर किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ बचाव के उपाय और इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शहर की प्रमुख महिला चिकित्सक डॉक्टर रोली भारती और अन्य महिला चिकित्सकों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को बीमारी के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण महिला उपस्थित थी। जीवन जागृति सोसाइटी जैसा नाम है, हम लोग हर एक समस्या पर जागृति करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोगों ने महिलाओं के कैंसर को समझाने का बीड़ा उठाया है, उनको ये समझाने का बीड़ा उठाया है कि कैंसर जानलेवा तो है लेकिन यदि सही समय पर उसको पकड़ लिया जाए, पहले पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज संभव है। उसी उद्देश्य से आज हम लोग नीमा गांव में हम लोग कैंसर जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और इसके लिए यहाँ सैकड़ों महिलाएँ आई हुई हैं। इसमें हमारे 2 डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर रेखा झा और डॉक्टर रोली भारती और संस्था के सदस्य हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ बताया कि सारे कैंसर जिस पुरुषों के भी है, तंबाकू के सेवन हो या खैनी के सेवन से हो या सिगरेट से हो, ये सारे सेवन को ना करें और उसके आरंभिक लक्षण क्या है, मुंह में छाले होना, कहीं गांठ पड़ना जो गांठ बढ़ते जा रहा है, महिलाओं में बेस में रक्तस्राव होना, स्तन में गांठ होना इत्यादि पर हम लोगों ने जागरूक किया। यदि आपको कोई भी आशंका हो तो आप आशा से मिलिए। आज का यह जो कार्यक्रम है यह कैंसर के प्रति ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर रेखा झा, मैं जीवन जागृति सोसाइटी की संरक्षक हूँ और मैं अध्यक्ष भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की हूँ और मैं ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर भी हूँ पब्लिक अवेयरनेस कमेटी फॉक्सी की। इस नाते मैं जागरूकता के अभियान को लेकर के मुझे ये प्रचार जो है 3-4 राज्यों में करना है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और साथ में जो है आपका बंगाल। तो इस काम को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और चूंकि जीवन जागृति से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ तो ये मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि ये जागरूकता अभियान को आगे ले जा सकती हूँ। दोस्त अपने डॉक्टर्स के सामने खुलकर बातें करें, ये नहीं कि हमारे पास कोई ब्रेस्ट से स्तन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसे छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जितनी जल्दी विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं उतना ही उसका इलाज आसान हो जाता है। अगर आप विलंब करते हैं तो जो ठीक होने वाली बीमारी भी है वो भी ठीक होने से कई कदम आगे चली जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने शरीर को पहचानें कि हमारा शरीर नॉर्मल कैसा होता है, हमारे ब्रेस्ट का नॉर्मल आकार कैसा है। महिला के लिए जागरूक होने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि गरीब मोहल्ला है, इसलिए यहाँ ही सेंटर पे बढ़िया है कि महिला सब कैंसर से जो मुक्त रहती हैं उसके लिए जानकारी हो जाएगा। इसमें से डॉक्टर अजय कुमार, रेखा झा, ये सब जो आए हुए हैं
सब मिल करके करने के बाद ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ को फ़ायदा के लिए सबको आए हैं। फायदा बहुत जाए जनता को, जो गरीब महिला है उसको फ़ायदा मिल जाए, डॉक्टरी इलाज हो जाए, जो उनको बांटना उसको दिया जाएगा तो ठीक।